पिछले दिनों तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में हुई नाव दुर्घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने एसडीएम के निर्देशन में सख्त कार्रवाई की है। प्रशासन ने लगभग 30 से अधिक नाव के इंजन जब्त किए हैं। कार्रवाई के दौरान कुछ नाविक कार्रवाई का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद थाना प्रभारी ने उन्हें कार्रवाई में व्यवधान नहीं करने का निर्देश दिया। एसडीएम चंदन सिंह सोलंकी ने बताया कि कई बार अवैध नाव संचालकों को बंद करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन पिछले दिनों हुई दुर्घटना के बाद प्रशासन ने सख्त होकर यह कार्रवाई की है। इस दौरान 30 से अधिक नाव के इंजन जब्त कर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन किसी भी सूरत में ऐसी अनदेखी बर्दाश्त नहीं करेगा जिससे किसी की जान माल को नुकसान हो। कार्रवाई के दौरान एसडीओपी राकेश पेंड्रो, तहसीलदार उदय मंडलोई, टीआई बलराम सिंह राठौर, सीएमओ मोनिका पारधी सहित पुलिस और नगर पंचायत कर्मचारी मौजूद थे। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत, राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।